हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त देवलाल गवारिया। और मैं आपको दिखाऊंगा इस इंडियन टॉयलेट सीट के अंदर एक एमटी लगा के दिखाऊंगा और एमटी से क्या फ़ायदा होने वाला है तो वो भी आपको इस वीडियो में सभी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो ये है पीवीसी एमटी जो हम इस इंडियन टॉयलेट सीट के वाटर इनपुट सप्लाई के वहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से हमारे को क्या फ़ायदा है और प्लम्बर पहले किस तरह से काम किया करते थे और आज भी बहुत से प्लम्बर यहाँ पे सिर्फ सीमेंट लगाते हैं और सीमेंट के साथ एक कपड़े का टुकड़ा लगा देते हैं, लपेटते हैं और उसके बाद में इसको यहाँ पे एमटी यूज़ नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इंडियन टॉयलेट सीट लगी तो एल्बो और सीट के 5 इंच का डिफरेंस है, मतलब इसके बीच में जो 1 इंची पीवीसी पाइप लगाएंगे हम और 5 इंची का एक टुकड़ा हम पाइप से काट लिया है और हमने काटेंगे और काटने के बाद में हम इसमें लगाएंगे तो एक पाइप का टुकड़ा काटेंगे हम 5 इंच का। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में, मतलब तो इस तरह से हमने ब्लेड की मदद से इसके टुकड़े को 1 इंची की पीसी पाइप देंगे जो हम इसको फिटिंग करेंगे शोल्डर बैंड लगा के। तो आप वीडियो को पूरा देखना है, आप वीडियो को मिस ना करें क्योंकि मिस करोगे तो आपको ये जानकारी नहीं मिल सकेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो सीमेंट और कपड़े का जो टुकड़ा लपेट के लगाते थे उसे क्या कि लीकेज होने की संभावना रहती थी और लीकेज हो भी जाता था। तो यहाँ पर हम एमसील का यूज़ करेंगे, एमसील लगाएंगे इसकी जगह पे और एमटी लगाएंगे, बाकी सीमेंट और कपड़े का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ से कभी भी लीकेज नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो हमने एमटी फिट कर दी है और कंप्लीट टिक फिट कर दी हमने। तो इससे लगाने से क्या कि सीट के जो अंदर कॉलर बनी हुई आती है तो ये एमटी की कॉलर अंदर फिक्स हो जाती है और हम जो एमसील लगाएंगे वो आगे नहीं जाएगी और आगे न जाने के से ये फ़ायदा होगा कि अंदर जो छेद होते हैं पानी के जाने के तो वो छेद बंद नहीं होंगे। इससे सीमेंट से कपड़े से छेद भी बंद हो सकता है और अगर एमटी आप सिर्फ पाइप लगा के सीमेंट लगाते हो तो उसमें अंदर पानी की सप्लाई कम पड़ सकती है और कभी कभी यहाँ से लीकेज होता था तो टाइल से पानी बाहर आने लग जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा, तो ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। और एमटी वैसे बहुत से प्लम्बर लगाते हैं और बहुत से नहीं भी लगाते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो एमसील और एमटी लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और कभी भी लीकेज नहीं होता यहाँ से। और तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त देवलाल गवारिया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।